मेरा नाम नलिनी देखे है, मैं साइंस से हूँ और मैं चाय के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ कि चाय पीने से बहुत हमें अच्छा लगता है, पर ये चाय बनाने का तरीका है जो है लोगों को ज्यादा करके मालूम नहीं है कि हम चाय कैसा बनाना है। फर्स्ट हमें चाय को चाय में जो ताकत है, ऑफिस में हमें बताते हैं कि चाय में बहुत सी ताकत है। मैं हर बार मीटिंग देखती हूँ और शुरू से मैं डिएक्शन में आती हूँ तो हमें मालूम है कि डिएक्शन के जो प्रोडक्ट है वो वैल्यूबल है, तो इसके लिए उसका चाय भी इतना वैल्यूबल है तो उसको हम पीना भी इतना अच्छे से पीना चाहिए, उसको थोड़ा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मिसेस रोशन आरा करके मैडम जो आती है, इंटरनेशनल ब्यूटी कोच है, उन्होंने मीटिंग में बताया था कि जो चाय वेस्टेड चाय होता है ना वो भी हम अपने चेहरे पे लगाएंगे तो हमें ग्लो आता है, तो मैंने वो भी ट्राई किया था तो मुझे ग्लो आया था। तो चाय हमें बनाने को पहला आना चाहिए, क्योंकि बहुत जनों को मैंने देखती हूँ, मैं चाय देती हूँ तो लोगों को चाय बनाने को नहीं आता है। मैं बोलती हूँ कि आपको पानी उबालना है, पानी उबाल के गैस को बंद करना है, फिर चाय पत्ती डालना है और ढक के रखना है और फिर उसको कप में लेना है। पर जब मैं रिटर्न उनको कुछ नहीं जाती हूँ तो वो चाय जैसे नॉर्मल बनाती है वैसा ही बना के पीती है, फिर बाद में बोलती है फर्क नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को, सभी लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि डिएक्शन की चाय नंबर वन है, उसी चाय से मेरे को बहुत से फायदे हुए हैं, वो अनगिनत फायदे हैं। मेरा इम्यूनिटी पावर बढ़ा है, मेरे बच्चे लोग का इम्यूनिटी पावर बढ़ा है और मेरे हस्बैंड के तो बहुत से प्रॉब्लम दूर हो गई ये चाय से, और मुझे बहुत बहुत एनर्जेटिक लगता है कि ये चाय हर लोगों के घर में अपना ब्रांड बदली ही होना चाहिए। हम हमारे घर का जो चाय है उसको बाजू में हटा के ऋषि ज्ञानो चाय आना ही चाहिए, ऐसा हम हर किसी को बोलना चाहिए कि चाय हर किसी के घर में होना चाहिए। मेरी कोशिश यही है कि मैं हर किसी को मिलूं तो मैं उनकी चाय कम से कम बदल डालूं, यही मेरी कोशिश है। गुड मॉर्निंग देख सर।